नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे रायपुर की। पुलिस ने 30 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है। 24 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 26 अटोरियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुणे में बैठकर महादेव सट्टा ऐप से आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे। उनके पास से क्या कुछ मिला है आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कैश मिले हैं। ये सट्टा लगा रहे थे, आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे महादेव सट्टा ऐप के जरिए। हालांकि जो ये सटोरी है, ये तमाम जो लोग हैं वो कुछ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जो कि पुणे में बैठकर महादेव सट्टा ऐप से आईपीएल में पैसे लगा रहे थे। रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 26 अटोरियों को गिरफ्तार किया है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े जितने भी सटोरी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अलग अलग राज्यों के सटोरिये हैं और अब तक की ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, खास करके महादेव सट्टा ऐप को लेकर के। 30 करोड़ के जो लेन देन के हैं वो दस्तावेज हैं, तमाम चीज है वो जब्त किए गए हैं। मोबाइल एवं बैंक खातों में हजारों प्लेयर की जानकारी भी पुलिस को प्राप्त हुई है और सटोरियों के विरुद्ध गंज थाने में जो अपराध दर्ज हुआ है उस पर है और प्रकरण पर 420 बी के तहत धारा है वो दर्ज किया गया है। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ये एंटी एंड साइबर क्राइम यूनिट की टीम ने 9 जो प्रकरण है वो दर्ज किए थे। कुल 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले भी गिरफ्तारी है वो लगातार होती रही है और अलग अलग राज्य के ये सटोरिये हैं। खास बात यह है कि महादेव सट्टा ऑनलाइन बेटिंग के इसके जो ऐप के जो संचालन करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए एक एक ऐप के दिए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में महादेव सट्टा ऐप का जो जाल बिछाकर इस तरह से ऑनलाइन सट्टा बेटिंग जो कराने वाले हैं उसकी जो शिनाख्ती जैसे पुलिस हुई, जो इनका इनपुट मिला उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 26 आरोपियों की जो गिरफ्तारी की गई है और करोड़ों के लेन देन है और उसका भी पता चला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। पाकिस्तान के राहुल प्रेम पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के शहजादे के लिए पाकिस्तान दुआ करता है, ये उन्होंने कहा। पाकिस्तानी नेता शहजादे की जीत की दुआ करते हैं। पहले कांग्रेस पाकिस्तान को लव लेटर लिखती थी, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। आज नया भारत डोजियर नहीं देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। तो भोपाल से खबर, जहां राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में आ रही है। माहौल पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम क्यों हुआ है? क्योंकि इनके 10 साल के जो वादे थे वो दम नहीं रहा। इन्होंने जिस प्रकार से
कालाधन लेके आऊंगा शुरुआत करेंगे, इनकम डबल कर देंगे किसानों की। जो बातें बोली थी ना, लोकपाल की बात बोली थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात बोली थी, वहां से शुरू करो और सारे वादे झूठे साबित हो गए। तो भोपाल से खबर, जहां मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर निशाना, दिग्विजय के लिए एमपी का कोई नेता प्रचार नहीं कर रहा है, राजस्थान से नेता बुला रहे हैं और उत्तर प्रदेश से मौलवी, राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, देश और प्रदेश में ढूंढने से नहीं मिलेगी कांग्रेस, मम्मी की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं राहुल। विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, भोपाल महत्वपूर्ण सीट, विदिशा, गुना, राजगढ़, कैसा रुझान देख रहे हैं? प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है, कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। सर, आपका 400 पार का दावा है, आज गहलोत जी आए हैं मध्य प्रदेश में, राजगढ़ जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने, उनका ये कहना है कि मोदी की गारंटियों पे जनता को भरोसा नहीं है, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतदान कम हो रहा है। अब देखिए, ये तो निश्चित हो ही गया कि दिग्विजय सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश का कोई नेता प्रचार करने नहीं जा रहा, इसलिए आयात कर रहे हैं राजस्थान से, कहीं उत्तर प्रदेश से मौलवी बुला रहे हैं राजगढ़ में प्रचार करने के लिए दिग्विजय सिंह, या फिर कहीं और प्रदेश से नेता बुला रहे हैं। वो राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं, वो राजगढ़ में धर्म का विभेद करना चाहते हैं, जाति का विभेद करना चाहते हैं। जो व्यक्ति राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहता है, वो क्या कभी जीत पाएगा? वो व्यक्ति जो राम का विरोध करता है, राम मंदिर का विरोध करता है, जो हिंदू धर्म का विरोध करता है, हिंदू धर्मावलंबियों का विरोध करता है, जो जाकिर नायक जैसे आतंकवादी को शांति का दूत कहता है, वो दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। अमेठी सीट कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने छोड़ दिए, वहां से अब केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी रायबरेली। अरे देखिए, जहां जहां पैर पड़े तो संतन के ताता भंटा धार। यदि राहुल गांधी इतने ईमानदारी से राजनीति करते तो वायनाड लोकसभा सीट की मतदान के पहले घोषणा करते ना कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उस समय तो उन्होंने नहीं कहा। अब अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? पहले उन्होंने अपने पिताजी की सीट अमेठी को बर्बाद किया, अब अपनी मम्मी की सीट रायबरेली को भी बर्बाद करेंगे। और 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति मम्मी की गोदी में बैठकर राजनीति करता, ये मैंने पहली बार देखा है। रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका डरपोकपन, उनका रणछोड़ दास की जो उनकी छवि है वो उसको स्थापित करता है, रायबरेली से बुरी तरह हारेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है, राहुल ने प्रियंका के खिलाफ षड्यंत्र किया, ये उन्होंने कह दिया है। 4 जून के बाद कांग्रेस में एक और टूट होगी, एक कांग्रेस होगी राहुल गांधी की, कृष्णम ने कहा, और एक होगी प्रियंका गांधी की कांग्रेस। प्रियंका गांधी षड्यंत्र जानती हैं, राहुल का रायबरेली से लड़ना गलत फैसला है, राजा भाग जाता है तो सेना हार मान लेती है। देखिए, प्रियंका गांधी जी के साथ पार्टी में और परिवार में एक साजिश हुई है और उस साजिश का शिकार प्रियंका गांधी हुई हैं। जहां तक राहुल गांधी जी के अमेठी छोड़ने का विषय है, तो राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ करके ये मैसेज दे दिया है कि वो अच्छे सेनापति नहीं है, और उसका इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी के वर्कर पे, कांग्रेस के तमाम सपोर्टर्स पे इतना पड़ रहा है कि जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं वो भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आखिरी राउंड के मतदान तक कांग्रेस के और बहुत कैंडिडेट चुनाव लड़ने से मना करेंगे, क्योंकि जब सेनापति युद्ध छोड़ देता है तो फिर सैनिक भी साथ छोड़ देते हैं। और 4 जून के बाद जो भीतर दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है वो फटेगा, और आप देखेंगे कि कांग्रेस दोफाड़ हो जाएगी, कांग्रेस में एक और स्प्लिट होगा, एक कांग्रेस होगी राहुल जी की और एक कांग्रेस होगी प्रियंका जी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बार ओडिशा की समलपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं, और समलपुर सीट की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की थी, इस बार इस सीट से धर्मेंद्र प्रधान अपनी जीत का प्लान लेकर उतरे हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं।
उड़ीसा के संबलपुर में चुनावी प्रचार की एक शाम और बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको देख रहे हैं संबलपुरी चीजें ही यहाँ पर काफी चमक रही है, ये कुर्ता, ये धोती है, सो क्या कहना चाहेंगे, धरती पुत्र ने अपना लिया। कभी कभी जब विशेष आयोजन होता है, पूजा होता है या कोई विशेष दिन बनता है हम लोगों की समाज में, हम लोग यूजुअली तो उड़िया लोग धोती ही पहनते हैं, कुर्ता ही पहनते हैं, और संबलपुरी कुर्ता तो अपने आप में एक अच्छा दिखता भी है लोगों को, मेरे को तो व्यक्तिगत रूप में अच्छा लगता है, मैं कुर्ता के साथ पायजामा के साथ कुर्ता भी पहनता हूँ, लेकिन जब पूजा वगैरह रहता है, विशेष कुछ रिचुअल होता है, धोती भी पहन लेते हैं, तो निश्चित रूप में मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा दिन है। मैं प्रजातंत्र के पुजारी के नाते, मेरे को पार्टी ने अनुमति दिया है, संबलपुर की जनता की सेवा करने का एक अवसर दिया है, मैं जनता की पास जब जा रहा हूँ, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहा हूँ, स्वाभाविक मेरे श्रद्धा के साथ मैं स्थानीयता के साथ जाऊँ, ये मेरे मन की बात पहले भी रहती थी और आज भी मैंने उसको प्रैक्टिस किया, अच्छा भी तो लगता है। स्थानीयता का मुद्दा भी उठाया है आपने, आपने रायगढ़ से आप पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, मुझे याद है आप 2004 में भी जीत कराए थे लोकसभा, तब देवगढ़ था वो भी हिस्सा है, मुझे लगता है इसी लोकसभा का हिस्सा है। तो धर्मेंद्र जी, वो हिस्सा तो आपका, आप तो संबलपुर के हैं ही, लेकिन जो लोग यहाँ आपसे लड़ने आ रहे हैं वो 300-300 किलोमीटर दूर से आपसे लड़ने आ रहे हैं, क्या कारण है कि इतने कद्दावर नेता को पूरी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है हराने के लिए? नहीं, देखो राजनीति में प्रतिद्वंदिता होना अच्छी बात है, कोई भी चीज आसानी से प्रजातंत्र में होती नहीं है, और मैं मानता हूँ इस लोकसभा चुनाव में प्रसंग कौन प्रत्याशी है ये नहीं है, मैं भी खुद को, मैं तो एक उसकी कैटलिस्ट मानता हूँ, एक माध्यम मानता हूँ, मैं एक छोटी सी इस बड़े सेतु में खुद को गिलहरी मानता हूँ। मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, मुद्दा है भारत को विकसित बनाने का, मुद्दा है उड़ीसा को उसकी हक दिलाने का, ये सारे में लोकसभा चुनाव में किसी की मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं कि नतीजा किस ओर बढ़ रहा है, नतीजा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, देश भर में बढ़ रहा है, उड़ीसा में तो और एक कदम हम लोग आगे हैं। उड़ीसा की लोकसभा चुनाव एक प्रकार से तय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में चुनाव की नतीजा जाएगा, बड़ा जनाधार बन चुका है, मोदी जी की विश्वसनीयता है। पिछली बार 8 जीते थे, इस बार हम लोग उम्मीद करें कि इस बार होने वाला है। इस बात तो मैं एक तरफा की रिजल्ट की ओर अपेक्षा कर रहा हूँ, हम 21 की 21 लोकसभा जीतने की स्थिति में आ चुके हैं, जिस प्रकार से पिछले बार चुनाव में पार्टी एक बड़ी ताकत करके उभरा, बड़ी जंप हुई, 22% से जब हम 38% लोकसभा में वोट जाते हैं तो 16% की ग्रोथ होती है, लगभग 22-16 और जोड़ के 38 हुआ, लेकिन इस बार ये 45 तक जाएगा, 38 इस बार हमारी 45 तक जाएगा और 7-8% वोट जुड़ेगी, लेकिन इस 7-8% वोट में चुनाव ध्रुवीकरण हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि भाई हम यहाँ बीजेडी को क्यों लोकसभा जिताएं, बीजेडी की परफॉर्मेंस क्या रहता है लोकसभा में, क्यों ना हम सीधा मोदी जी की प्रतिनिधियों को जिताए, ये एक वातावरण। आपके जो प्रतिद्वंद्वी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, बॉबीदास जी, प्रवीरदास जी नंबर 2 माने जाते हैं, संगठन महामंत्री हैं बीजेडी के, कैंपेन अभी तक तो बहुत ज्यादा किया नहीं है, लेकिन एक लोगों को है कि पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर काफी जोर से चुनावी प्रक्रिया में प्रभावित कर सकता है। देखो ऐसे जब जब जिन जिन के पास एक सरकार रहती है उनकी ताकत, वो सरकारी ताकत दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाती है, इंडियन डेमोक्रेसी परिपक्व डेमोक्रेसी है, उसमें लोग समझते हैं क्या करना क्या नहीं करना। बॉबीदास जी को आप प्रतिद्वंद्वी ही मान रहे हो, भारी नहीं मान रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब से बीजेडी में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, नंबर 2 जिन्हें बनाया गया है, उसके बाद से बीजेपी ने मिट्टी धरती पुत्र और तमाम जो उड़ीसा पुत्र की बात शुरू की है, उड़िया अस्मिता की बात शुरू की है। बीजेपी ने नहीं किया, उड़िया लोगों ने किया। देखिए मैं आपको उड़ीसा के इतिहास थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा,
आज की भारत में, जो आज की भारत की रूप है, उस भारत में 1936 में भारत के अंदर पहला भाषा आधारित राज्य है उड़ीसा। उड़िया भाषा हम लोगों के इतनी आसक्ति है, उसमें हम लोग एक भाषा के आधार पर राज्य बने, बाद में तेलुगु में बनी, कन्नड़ में बनी, मराठी में बनी, गुजराती में बनी, ये बाद में हुई, लेकिन पहला राज्य उड़ीसा बना। उस राज्य की एक बहुत बड़ी विरासत है, हजारों साल की विरासत है। जहां मैं संबलपुर में हम लोग बैठे हैं, संबलपुर में मैं एक मंदिर में दो दिन पहले पूजा किया। उस मंदिर 1500 साल में बनी थी, यानी आज से 600-700 साल पहले वो मंदिर बनी, यानी यहाँ एक सिविलाइजेशन था। उसकी पहले की प्रमाण यहाँ कुछ है। एक पुराने सभ्यता में आप एक मौका को हथियाना चाहोगे, उसकी स्वाभिमान पे चोट करना चाहोगे, ये उचित नहीं है। यहाँ हो रही है, इसीलिए समाज में रिएक्शन है। बीजेडी ने चोट की है उड़ीसा में, बीजेडी के अंदर एक कॉकस बन गया है, कुछ बाहरी लोगों की एक कार्टेल बना हुआ है, जिनकी कोई उड़ीसा के साथ संबंध नहीं है। जो लोग मानते हैं कि शायद उड़ीसा की उत्पत्ति श्री नवीन बाबू जी की समय से हुई है, और आने वाले दिनों में शायद यही एक विचार रहेगा। इस प्रकार की भ्रम कभी कभी सत्ता की जोर पे जो अमला रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, ऐसे अधिकारी को ऐसे ऐसे उदाहरण मिला है। भारत की सामाजिक जीवन में आप ढूंढोगे तो एक मजाक में कहते हैं कि चाय से केटली गर्म है। केटलियों को यह भ्रम आता है कि हम ही चाय है, ये जो गर्मी है हमारी गर्मी है। इसलिए ये जो भ्रम बना रहता है ना, अभी भी यहाँ कार्टेल को भ्रम है, जो बाहरी लोग हैं, कि एक नैसर्गिक संसाधनों को हम लूटना चाहिए, हमें हथियाना चाहिए, यहाँ के स्थानीय समाज को नीचा करना चाहिए। ये जो मानसिकता है, मैं नहीं जानता हूँ नवीन बाबू जी की क्या मजबूरी है। एक रीजनल पार्टी के नाते एक बाहरी व्यक्ति को कोई संघर्ष किया होता, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहार में जाके राजनीति करते थे, गरीबों की राजनीति करते थे, लंबा संघर्ष किए हैं, जन्मे कर्नाटक में, काम किए महाराष्ट्र में, राजनीति की बड़ी काम किया उन्होंने बिहार में, क्योंकि मूवमेंट से आए। एक कोई व्यक्ति आएगा नौकरी करने के लिए, नौकरी के अधिकार को यूज करते हुए पिछले दरवाजा में कहेगा कि मैं यहाँ लेजिटिमेट चेहरा हूँ, ये सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, विशेष करके प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने इस अन्याय को खुद प्रश्न उठाया कि आज उड़िया अस्मिता ही चौकट कटघरे में है, उसको बचाना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी भी बनती है, देश संतुलित कैसे रहेगा। न्यूज 18 को इंटरव्यू में कहा था आप ही की चैनल के इंटरव्यू में आप ही के प्रश्न था, प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कहा, सो मोटो प्रश्न समाज की, आपने क्यों पूछा, आखिर न्यूज 18 ने पूछा क्यों, प्रश्न समाज का है, यह कैसे संभव है। आखिरी सवाल, मोदी गारंटी का कितना असर हो रहा है? 100% है, ये तो विश्वास का ही चुनाव है, भरोसा का ही चुनाव है, उसको राजनीतिक शब्दावली में हमने गारंटी कह दिया है। ये भरोसा और विश्वास की श्रद्धा की चुनाव है, इसकी नाम है मोदी गारंटी, गारंटी की गारंटी मोदी गारंटी। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।